शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पॉन्ड में छाप रहे हो? अरे टैक्सी भाड़े की है ना, तो रोज रोज का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन तुम अभी भी ये बैग लेके कहाँ घूम रहे हो? नहीं, वो ट्रायल चल रहा है ना, साफ सफाई। अच्छा अच्छा, अच्छा। ये मौसम कैसा है यहाँ का? अरे लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कभी भी रंग बदलते रहते हैं। क्यों, यहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो कहावत है, लड़कियाँ तो बहुत अच्छी हैं। नहीं, मेरा मतलब उनका स्वभाव कैसा है, दोस्ती वोस्ती करती है कि नहीं? जो भी देसी आता है घुमा फिरा के वही पूछता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं तो बस यूं ही। अच्छा यूं ही? आटो, आटो। क्या हुआ? आटो तो। क्या हुआ क्या? अच्छा, किस तरह की लड़की चाहिए? मैक्सिकन, चाइनीज, जैपनीज, इंग्लिश? सच बताऊं? हाँ। एकदम भारतीय लड़की चाहिए। क्या? हाँ। तुम्हें विदेश में आके विदेशी लड़की चाहिए? क्या बताऊं, खेल ही ऐसा है। हाँ, समझ गया समझ गया, यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। कई लोग आके हमसे पूछते हैं। बंटी ने पूछा क्या? अरे किसी ने नहीं पूछा, मैं तो ऐसे कह रहा था। कब चाहिए? आज। आज? अभी अभी। हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके, 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 सुके। अच्छा सुनो। हाँ। बोलो। एक महीने के लिए? एक महीना? वही की वही सेम टेस्ट। क्या तुम भी यार? नहीं नहीं, दरअसल नहीं नहीं, दरअसल मेरी, अरे शादी नहीं हुई ना, इसीलिए। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, सब समझता हूँ। अच्छा सुनो। हाँ, उसको हिंदी भी आनी चाहिए। हिंदी? हाँ। अच्छा, हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए? हाँ, डालो, डालो, डालो। यार, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। एक महीने के लिए चाहिए, हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए, सारी चीजें बड़ी। अरे डायलॉग में इतना खुश क्यों गए? अच्छा सुनो, लड़की एकदम हीरोइन जैसी होनी चाहिए। ठुमका लगाए मस्त, बड़े रंगीन आदमी लगते हो यार। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसा बोलोगे वैसा नाचेगी, ठुमका बोलोगे ठुमका लगाएगी। अरे पैसा खर्च करो, क्या नहीं हो सकता? पैसा कितना ले लेगी? अरे यार छोड़ो ना, वो तो वो लोग बताएंगे, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें जैसा बोला है वैसा करते जाओ। देखो तुम यहाँ चलो, तुम यहाँ सीधे सीधे, और फिर चौथे सिग्नल से बाएं ले लेना, और उसके बाद बहुत बड़ा पार्क पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे इंडियंस खड़े मिलेंगे, लेकिन किसी गोरे से मत पूछना। इंडियंस देखते तुम्हें समझ जाएंगे, वो तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, वो जैसे ही आए उनसे मांग लेना, पर पुलिस से सावधान रहना, ये बात समझ। अच्छा सुनो। हाँ। ये बात जो तुम्हारे मेरे बीच में हुई है। हाँ, हाँ, हाँ। कोई पूछे तो मत बता। अरे नहीं, लोग पूछे। अरे तुम चिंता ही मत पूछेंगे। करो, अरे तुम जाओ अपना काम। हाँ। करो, जाओ। ऑल द बेस्ट। आ गया बूढ़ा, आ गया, अब मैं जाता हूँ और झंडे गाड़ के आता। एक मिनट, ब्रेक मार, ब्रेक मार। तू क्या गुल खिलाने वाला है हमें पहले ही बता दे। हाँ, पहले मैं वहाँ जाऊँगा, फिर, और फिर जानबूझकर हल्के से बूढ़े से टकराऊंगा, और फिर मैं पलट के देखूंगा। अरे आप राहुल के दादाजी तो नहीं है? इस पैतरे से अगर बूढ़ा नहीं गिरा तो मेरी कदकाठी और कम कर देना। अब इससे ज्यादा क्या कम होगा? और तू संभाला, रितु के मामले में अपनी बड़ी पनवती लगी है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे सारे आइडिया घटिया थे। अरे कचरे में कमल थोड़ी खिलेगा, देखते जाओ कैसे विकेट गिरा कर। आता हूँ मैं। अरे कहाँ से जाएगा? अबे अंधे हो, दिखाई नहीं देता? जी मैं अभी उठा देता हूँ, अभी उठा देता हूँ। आंखें फूटी है क्या? ये सब बेटी बात सुनो, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छोड़ने की? अबे भागो, भारू को निकालो जल्दी। मजा आ रहा है ना? पीट अपने ढोल और पीट, फट गया ना? हाँ, क्यों नक्षड़े, उछल उछल कर डिंगे मार रहा था ना, अब भुगत। साला इसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे छोड़ दो। ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा वैसा हो गया ना अभी। निकाल निकाल। अरे बूढ़े के साथ दोस्ती करना बच्चों का खेल है क्या? अरे क्या तुम लोग, उसने अपना जो खून बहाया उस पे तुम लोग पानी फेरे? तू फिकर मत कर, तेरा खून जरूर रंग लाएगा। खून भरी मांग, ये शगुन है वो तेरी होने वाली है। तब तो दो चार टुकड़ा और घुसेड़ दो पेट में, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। हाय रे, देख तुझे मिर्ची ने अंधा किया। हाँ हाँ। तुझे आग ने जलाया और तुझे कांच ने फोड़ा। सही है भाई, मतलब तीन टपके। अब एक ही रास्ता है। क्या? क्या मुझे लगता है? क्या बता भाई बता, मुझे लगता है कि अबे क्या लगता है? तुम लोग उसे भूल जाओ। क्या? हाँ। अच्छा, ओके।
शीशे के पास। अरे इतनी जल्दी आ गया हा? पैसा लाया? अग भाई ये तो लावणी वाला है, ये तो ये माली है मेरा। ए बाबू पानी बराबर दे रहे। क्या माला बाबू भाई, ऐसे डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये आपका माली है, ये तो उस दिन वहां पे हाँ उड़ा रहा था मालूम है। क्या है, इसको जब भी पगार मिलता है ना मेरे को लाके दे देता है, मैं उसका डबल कर देता हूँ और वो जाकर उड़ा देता है। अरे ये भी तो उस दिन वहां था। ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर, तेरे को बोला ना डिक्की में से पैसा निकाल के अंदर रख। ये चुप्पे, ये आपको चुप्पे बोला? मेरे बाप समान है वो, 5 साल का था तब से पाल पोस के बड़ा किया उसने मुझे, तब से मेरा ड्राइवर है वो। 5 साल? लेकिन इसकी उम्र तो आपके बराबर लगती है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया है इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। जिम भी ज्वाइन करवाया, मालूम पड़ता है 60 साल का। ना ना भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा लाया? लाया ना भाई। भाई अंदर बैठ गिन ले। अंदर कुछ नहीं, हम लोग बैठते बैठते नहीं। अब 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 भाई थोड़ा पानी वानी तो हो जाना चाहिए। पानी कौन पीता है? पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते हैं, सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। भाई 25 दिन में डबल हो जाएंगे ना। अभी ये दोगे तो डबल होगा ना। ले लीजिए 25 दिन बाद आता हूं। ठीक है भाई। ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके ओके बाय। ओके बाय। आधा घंटा हो गया। बोला था मैंने तुमको। अबे पता है उसे जगह, ये तेरे जैसी अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है वो। उसे 10:30 का टाइम दिया था, अभी 10 बज रहे। अच्छा सुन, हमारी पहचान तो इस अंदाज से कराना कि झटके से पता चले कि हम राहुल के कितने करीब हैं, और हमने तेरी पहचान उससे कराई। हाँ हाँ बोल दूंगा यार। अबे अबे तू खड़ा क्यों, बैठ। हट, ड्रेस में झुर्रियां आ जाएंगी। कैसा लगता हूँ मैं? शाहरुख शाहरुख शाहरुख। मुंह पे मटका रखेगा तो एकदम शाहरुख। फिल्म ट्राई कर लूं क्या? मामू 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 तू ऋतु को फोन करके बोल कोरियंथन स्विमिंग पूल आ जाए, वहां भी एक कॉफी शॉप है। हाँ लेकिन यार वो मोबाइल लाया नहीं ना, नहीं तो कर लेता फोन। झूठ मत बोल साले, ये क्या दिख रहा है मेरे को, चल फोन निकाल चल। हाय हाय हाय। हाँ हाँ निकाल रहा हूँ, अबे रुक ना। ये रहा, बिजी है बिजी साले, लगा हुआ है कर बात। हाँ ऋतु, हाँ मैं पक्या बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। ऋतु वो मॉल के जगह हम लोग कोरियंथियम स्विमिंग पूल मिल सकते हैं? नहीं वो मैं बताता हूँ आपको, मतलब तुम्हें मिलके बताता हूँ मैं। हाँ ऋतु मैं पक्का बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। हाँ ऋतु स्लाइड चेंज ऑफ प्लान, वो कोरियंथियम ट्रंप मत जाना। हाँ उसके बजाय हमारे घर के पास, सॉरी तुम्हारे घर के पास वो नेहरू रोड है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। उसके पास इंडिया कॉफी हाउस है पता है? वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग वहीं मिलते हैं। नहीं वो मैं तुम्हें मिलके बताता हूँ। ओके ओके। पूरा परफ्यूम भी सूख गया मेरा। अबे यार ये पक्या की राह देख देख के मैं पक गया, मेरे को तो फुल लफड़े की बू आ रही है। हाँ यार ऋतु भी नहीं आई अब तक। 2 और 2 मिलाओ 22 समझो, इससे पहले इनकी गुटरगू शुरू हो जाए चलो चल के इनको कहीं ढूंढते हैं। चलो कहाँ जाना है? चलो कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है बाद में देखेंगे, चलो इमरजेंसी इमरजेंसी। गो मैन, चलो चलो जल्दी चलो। गुल्लू अरे 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते, पेनाल्टी का तुम्हारा बाप पड़ेगा। अब जाना कहाँ है? अरे तुमको जहाँ भी जाना है वहाँ ले चलो गाड़ी, लेकिन गाड़ी तेज चलाओ, इमरजेंसी है। क्यों संडा जा रहा है क्या? बहुत पैसा है, इतना क्यों ठसते रहते हो, जो कंट्रोल नहीं होता। ओह माय गॉड, अरे यहाँ से राइट राइट
है यार, इन पुलिस वालों को समझाओ यार, इन लोगों ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नाम? गुल्लू। तेरे कुत्ते का नाम नहीं पूछा, तेरा पूरा नाम बता। वो गुलाब सिंह लखन सिंह हरियाणा वाले। इन्हें जानते हो तुम? नहीं नहीं साहब, इसने कहा था वो लड़की वड़की। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, हुआ क्या है सर? तुमसे जितना पूछा गया उसका जवाब दो, जानते हो इन्हें? कैसे? ये लोग भारत से आए हैं सर, वो क्या कहते हैं ड्रामा नाटक करने आए हैं ये लोग, इनके साथ 15-20 लोग और भी हैं सर। कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया पार्क में सर। ऑर्गेनाइजर कौन है? रविंद्र जी तनेजा सर। सर वो क्या है, सीधे साधे लोग हैं, पहली बार यहाँ आए हुए हैं सर। इन लोगों ने कोई गड़बड़ की है क्या सर? बहुत बड़ी। एनीवे ऑफिसर, प्लीज टेक द सिग्नेचर ऑन द स्टेटमेंट। कम ओवर हियर लैड्स, कम ऑन। क्या हुआ? इस वक्त मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, चलो। साइन हियर टॉप वन। जब भी पुलिस स्टेशन बुलाए तो हाजिरी देने पहुंच जाना। और हाँ, अगर वो ड्रग सप्लायर जिसने तुम्हें ड्रग्स दिया है दिख गया तो मुझे इस नंबर पे फोन कर देना। ओके, थैंक यू, बी गुड। ओके सर, ओके सर, बाय सर। आदमी है कि कबूतर, बोला था ना पुलिस से संभल कर रहना। अबे इसको बोल, इसको। साला खुश हो गया तू? खुश हो गया साला? बीए पास, अंग्रेजी बोल बोल के मेरे दिमाग की दही काटा इसने। कितना समझाया, कितना समझाया कि साला ये मुसीबत की पोटली है, फेंक इसको, फेंक इसको। नहीं चल 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 कर, क्या बोल रहा था तू मेरे को? पुलिस में चलते हैं, इनाम मिलेगा, हैं? अखबार के ऊपर तस्वीर, छापू की तस्वीर तेरे मुंह के ऊपर। हमें मार मार के पुलिस ने कीमा नहीं किया ना, तो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मेरी माँ ने कुछ अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में। साले कल के लौंडे सिखाने लगे। देख देख, रितु तो यही है। हाँ मगर इतनी भीड़ क्यों है? उबे वो क्या, इसको कौन पीट रहा है? फरिश्ते, हमारे साथ धोखा किया साले ने। अरे ये तो बाइक वाली गैंग है, चलो इसे बचाते हैं। संत ज्ञानदेव तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसाफ मिलता है दुनिया में, साले को थोड़ी सजा मिलने दे। सही बोला इसने। हाँ। तू बहुत महान है ढमढेर। अबे क्या कर रहा है, धत पे मार साले के, बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बाना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के दो पेट में निकला। तू तो बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था, फिर भी ऐसे टुच्चे लौंडों के सामने दम तोड़ दिया। यूज़लेस। नहीं वो क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, वो एकदम अचानक से वो क्या पीछे से वो हमला करने वाले घंटा बजा के इतला देते हैं क्या? और नहीं तो क्या, मैंने इसे कराटे के सारे हाथ सिखाए, फिर भी ये बिस्किट की तरह टूट गया। मैंने तुझे जब वो हाथ सिखाए थे तब तेरा ध्यान नहीं था, इसलिए उसने गलती की। मेरे कंधे पे चढ़ के हीरो मत बन। तुम ऋतु हो? बहुत अच्छा। अच्छा वो आप लोग आ गए, वरना आज हमें कौन बचाता? साले पट्टी पढ़ा के हम लोग इधर आ गया, तू परिचय करा, परिचय करा। सॉरी मैं तुम्हें इनसे मिलवाना भूल गया, ये सब मेरे दोस्त हैं और राहुल के भी। ये गोटी। हाय आई एम गौतम। समीर। और मैं मार्तंड। हाय। अच्छा वो आप लोग मिल गए, मुझे राहुल भैया के बारे में कुछ जानना था। तो सुनो, राहुल एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करती थी, या प्यार करने का नाटक कर रही थी पता नहीं, मगर एक दिन उसने राहुल को मिलने से मना कर दिया। पर क्यों मना किया उसने? हाँ क्योंकि अब हमें बाद में पता चला कि लड़की घर वालों के अंगूठे के नीचे दबी हुई है। लेकिन राहुल ने बात इतने दिल से लगा ली कि दारू सिगरेट एकदम छोड़ दी। नाम क्या था लड़की का? उसका नाम तो
मुझे याद है, हाँ वो सोफी। इसका मतलब वो क्रिश्चियन? हाँ वही तो मुसीबत की जड़ थी, ये हिंदू वो क्रिश्चियन। सोफी के परिवार वालों ने दोनों को जुदा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कई बार तो गुंडों से भी पिटवाया। हाँ हाँ, अरे जिन लड़कों से मैंने इस मच्छर को बचाया ना, वही तो थे वो गुंडे, अब तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम भी राहुल के साथ डटे रहे हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। अरे एक बार राहुल सिर्फ एक बार कहता ना, उस लड़की को शादी के मंडप से नारियल की गठरी की तरह उठा के उसके सामने पटक देता, लेकिन वो बोला ही नहीं। मुझे याद है जब वो हमें आखिरी बार मिला, एकदम देवदास लग रहा था। उसने हमें गले लगाकर गुड बाय बोला, तब उसके आंसू देखकर मेरे भी आंसुओं की धार निकल पड़ी। आजा मेरे साथ, ऐसा ही मत रो, आजा मेरे साथ, मेरे साथ तू मत रो, मत रो, मत रो, मत रो, मेरे भाई अब इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार तू।